वाओ। मेरी ये प्यारी मामा आज घर पर, क्या खातिर तवाजो करूं मामा आपकी? ऐसे क्या घूर रही हैं? ठीक ही तो कह रहा हूं, गेस्ट ऑफ ऑनर है ना आप यहाँ की। गेस्ट ही समझो मुझे, तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं तुम्हारे पापा के पास चली जाऊंगी और तुम अपनी वाइफ के साथ खूब एंजॉय करना। बाय द वे, किसकी शादी हो रही है? साहिबा के निकाह का कार्ड है, इत्तेजा से उसकी शादी हो रही है, मसाला ने भेजा है कार्ड, और मुनज़्ज़र ने तो हमें इनवाइट किया ही नहीं है। तो ये चल रहा है? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हारी तो बेस्ट फ्रेंड थी वो। कहाँ मामा, कौन सी बेस्ट फ्रेंड? हमारी तो बस हाय हेलो है। मैं सोच रही हूँ तुम्हारे लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देखूं। लड़की क्यों मामा, लड़का ही देख लें। क्या बकवास कर रहे हो, कार्ड अच्छा है ना? बहुत। क्या चल रहा है? वही जो ऑफिस में होता है, काम। तो पता है इर्तजा, मैं सोच रही थी कि जब शादी हो जाएगी ना तो हम डैड से बोलेंगे कि घर पर रहें, उन्हें तो रेस्ट की ज़रूरत है ना। मैं और तुम मिलके ये पूरा बिजनेस संभालेंगे। सो बेसिकली तुम मुझसे ये कहना चाह रही हो कि शादी के बाद मुझे काफ़ी फायदा होने वाला है, काफी कुछ मिलने वाला है मुझे, am I right? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। देखो साहिबा, मैं ना एक बहुत ही डिफरेंट सोच रखने वाला इंसान हूँ, अभी तक तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा ना, राइट? मुझे लालच, दुनियावी चीजों की चमक दमक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेल, अगर तुम मुझे वाकई इंप्रेस करना चाहती हो तो सबसे पहले अपने आप को बदलो। इर्तिज़ा, मैं बदल जाऊंगी, तुम जैसा चाहते हो ना मैं वैसी हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए हर रंग का पानी बन जाऊंगी, तुम्हें जो रंग पसंद है मैं उसमें रंग जाऊंगी। मैं ऐसी हो जाऊंगी कि तुम मुझे चाहने पर मजबूर हो जाओ। सहबान, यू नो, मुझे ऑनेस्ट, प्योर और सच्चे लोग बहुत पसंद हैं, जो किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, किसी के पीठ पीछे छुरा नहीं खोलते। एंड ऑब्वियसली आई एम श्योर तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो, लेकिन अगर तुम वाकई चाहती हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं, तो अपने आप को तब्दील करो यार। मैं खुद तुमसे मोहब्बत करने में मजबूर हो जाऊंगा। मेरा बहुत दिल था कि तुम्हें देखूं, तुमसे मिलूं, तुमसे बात करूं, वो हो गया। अब तुम अपना काम करो, बाय। खुदा हाफिज़।